केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी के तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजुवाला के गांव में पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों से चर्चा की। इसके अलावा मंत्री ने कोविड प्रबंधन को लेकर हॉस्पिटलों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से खास बातचीत की एवन टीवी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र डेलू ने। लगातार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जहां राज्य सरकार गंभीर नजर आ रही है, तो वहीं केंद्र सरकार के मंत्री भी अब क्षेत्र के दौरे पर हैं। बीकानेर सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाला क्षेत्र के दौरे पर हैं और सीएचसी खाजुवाला का निरीक्षण किया है, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और 7 साल पूर्ण होने पर केंद्र सरकार का फीडबैक भी ले रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। सर, कोविड-19 एक महामारी है, आपने आज सीएचसी का निरीक्षण किया, किस तरीके की व्यवस्था और आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है ये ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हुई, ऐसा हम सब लोगों ने अनुभव किया, आप सब लोगों ने महसूस भी किया और कुछ आशंकाएं ऐसी प्रकट की जा रही है। हालांकि हमारे एम्स के डायरेक्टर ने कहा ऐसी कि थर्ड वेव का अभी कोई अनुमान सही नहीं है, लेकिन आशंका प्रकट की जा रही है, तो उसको देखते हुए हम सीएससी लेवल पे एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दें जिससे वो आदमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या कॉलेज के हॉस्पिटल पे ज़्यादा दबाव नहीं बना सके। इसके लिए डॉक्टरों से पूछ करके क्या मशीन की आवश्यकता है, हम कुछ एमपी कोटे से देंगे, कुछ सीएसआर फंड से देंगे, लेकिन इस सीएससी का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे। उसमें सीबीसी मशीन भी है, ऑटो एनालाइजर भी है, बेड की व्यवस्था भी है, इसमें बाईपैप की व्यवस्था भी है, ऐसे कई उपकरण की व्यवस्था भी उन्होंने कहा, एक सेंट्रलाइज वाटर ट्रैक बन जाए तो उसका भी एक फायदा होगा। तो ऐसे कई काम उन्होंने जो बताए हैं वो सब हम या तो एमपी कोटे से या सीएसआर फंड से सैंक्शन कर देंगे। सर, कोरोना से अभी हम संभल ही नहीं पाए हैं कि ब्लैक फंक्स और येलो फंक्स और धीरे धीरे इनकी मौतों की संख्या भी बढ़ रही है, राजस्थान में किस तरीके की व्यवस्था है इस फंक्स को रोकने के लिए? ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये पहले ब्लैक फंगस के नाम से हमारे सामने आया। ये जैसे ये संक्रमण है आपका कोविड, इसमें ठीक होने की संख्या ज़्यादा होती है, फिर भी इसमें डेथ है, लेकिन जो फंगल इन्फेक्शन वाला विषय होता है जिसमें ब्लैक फंगस जिसको कहते हैं, ये एक जानलेवा बीमारी है। ये दो कारणों से उसमें मरीज बच सकता है, एक ऑपरेशन समय पर हो जाए और एक इंजेक्शन, तो करीब 60 की मात्रा में इंजेक्शन लगते हैं, वो मिल जाए। और ये चूँकि अचानक ये भी सामने आई ये प्रॉब्लम चुनौती, तो इसके इंजेक्शन बनाने का आपका टारगेट बढ़ाया, बाहर से भी आ सकती है तो उनको मंगाने का विषय रखा। हमारे बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल में भी 5-7 पेशेंट इसके भर्ती हैं, कोटा में भी हैं, जयपुर में एक वार्ड बना है, मैंने भी आज पीबीएम में कहा इसका एक वार्ड बना दो, ये थोड़ी घातक बीमारी है। बिल्कुल, ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो एवन टीवी से अभी रूबरू हुए और इन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र के अनेक जगहों का आज दौरा भी किया है और 7 साल पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्यों का जनता के बीच में पहुंचकर फीडबैक भी दिया है। एवन टीवी के लिए सुरेंद्र डेलू, खाजुवाला।